हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित भवनों का कमिश्नर ने किया निरीक्षण। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री 51 लोगों को प्रधानमंत्री आवास एवं 101 लोगों को आसरा आवास की सौंपेंगे चाबी। खजरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर की हत्या करके लूटा सरिया सहित ट्रक। एसएसपी ने कहा जल्द होगी लुटेरों की गिरफ्तारी। देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने मंगलवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज परिसर में किया पौधारोपण। कहा उत्तर प्रदेश में 15 लाख पौधारोपण का है संगठन का लक्ष्य। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित माँ तुझे प्रणाम के तहत महानगर में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली, कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक। बकरीद त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कैंट थाना क्षेत्र में घटित चोरी और लूट की घटना का सीओ कैंट ने किया खुलासा। 12 मोबाइल, 2 टैबलेट तथा 1 लैपटॉप के साथ 6 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। राफेल युद्धक विमान में घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस ने किया चेकिंग। सिटी मॉल स्थित शॉप, रेस्टोरेंट और एसआरएस में पुलिस ने की चेकिंग। सीओ कैड ने बताया नहीं मिला कोई संदिग्ध। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मनाया गया अखंड भारत संकल्प दिवस। वक्ताओं ने मानचित्र के माध्यम से भारत के अस्तित्व के महत्व पर प्रकाश डाला। जीएसटी में व्याप्त खामियों को दूर किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को सौंपा ज्ञापन। 7वें वेतन आयोग को लागू किए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने कई अन्य मांगों को लेकर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का दूसरे दिन और अंतिम दिन भी कार्य बहिष्कार रहा जारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों का 6वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहा जारी। कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा विरहद आंदोलन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने छात्र संघ चुनाव पर कहा कि प्रदेश सरकार के अनुमति के बगैर विश्वविद्यालय में नहीं कराया जा सकता है चुनाव। छात्र प्रदेश सरकार के अगले आदेश की करें प्रतीक्षा। भारत गौरव पर्व की तैयारी को लेकर बेनीगंज में संपन्न हुई बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक। मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह का किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा आयोजित हुआ 9 नियुक्त शिक्षकों का स्वागत समारोह। पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करने की दी सीख। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने तिरंगे के सम्मान में कार्यक्रम का किया आयोजन। देश के संविधान के पन्ने जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ ने निकाला विरोध जुलूस। हिंदू जागरण मंच द्वारा मनाया गया अखंड भारत संकल्प दिवस। वक्ताओं ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर डाला प्रकाश। एडीजी, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी सहित आला अधिकारियों ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं और रंगमंच के कलाकारों ने प्रस्तुत किया मनमोहक प्रस्तुति।